वेलकम टू माई नीटिंग चैनल शिल्पी गारमेंट्स एंड ऑल्सो विजिट माई नीटिंग वेबसाइट शिल्पी गारमेंट्स डॉट कॉम। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाई फ्रेंड्स, मैं निकिता। आज मैं आपको सिंगल कलर की नीटिंग पैटर्न बताने जा रही हूँ। ये डिज़ाइन आप किसी भी लेडीज़ कार्डिगन्स या बेबी की स्वेटर में बॉर्डर के रूप में भी यूज़ कर सकती हैं, या फिर किसी स्वेटर के मेन डिज़ाइन में भी आप इसको यूज़ कर सकती हैं। इस डिज़ाइन का मैं अधिकतर यूज़ करती हूँ किसी भी बेबी की स्वेटर बनाते समय, जिसे मैं गले से शुरू करती हूँ। गले से बॉर्डर बनाने के बाद मैं इस डिज़ाइन को डालती हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुड्डे के पास फंदे को बढ़ाया जाता है, तो जहाँ तक फंदे बढ़ते हैं वहाँ तक पूरी बॉडी में मैं ये स्वेटर डालती हूँ। वो स्वेटर बनाने के बाद मैं उसकी वीडियो भी ज़रूर शेयर करूँगी, और फिर उसके नीचे कोई भी अपनी पसंदीदा डिज़ाइन आप अलग से डाल दें तो ये काफ़ी खूबसूरत लगती है। यहाँ पर मैं आपको डिज़ाइन डालकर बताऊँगी। ये दो से मल्टीपल फंदे ले लेंगे, वैसे ये कोई ज़रूरी नहीं कि इस डिज़ाइन में दो से मल्टीपल फंदे ही हों, क्योंकि आगे डिज़ाइन देखने के बाद आप इसे अच्छी तरह समझ सकती हैं कि इसे कैसे सेट करते हैं। यहाँ पर मैं थोड़े कम ही फंदों पर ये डिज़ाइन बताऊंगी। इसमें सबसे पहली सिलाई उल्टी बुनते हैं, जो रॉन्ग साइड है। ये उल्टी तरफ से ये डिज़ाइन शुरू करेंगे, जैसे पूरी सिलाई उल्टा ही बुनेंगे। ये उल्टी तरफ से है और फिर सीधी तरफ से ये डिज़ाइन डालते हैं। ये पूरी पैटर्न सिर्फ चार पंक्तियों की है, जिसमें उल्टे तरफ से आप उल्टा ही बुनेंगे और सिर्फ सीधी तरफ से थोड़ा सा डिज़ाइन डालते हैं। वैसे देखें तो ये पैटर्न जितनी खूबसूरत लगती है, ये बिल्कुल न्यू बिगनर्स भी इसे आराम से बना सकते हैं। ये पहली सिलाई उल्टी, अब ये नेक्स्ट रो यहाँ पे सीधी तरफ से डिज़ाइन डालेंगे। इसमें पहला फंदा उल्टा बुनते हैं, और दूसरा फंदा उतार लेंगे, तीसरा फंदा उल्टा बुनेंगे, चौथा फंदा उतार लेंगे, फिर पांचवा फंदा उल्टा बुनेंगे, छठा फंदा उतार लेंगे। इस ढंग से पूरी रो को कंप्लीट करते हैं। एक फंदा उतारना है और एक फंदा बुनना है उल्टे तरफ से ही। ये पूरी रो कंप्लीट है। अब यहाँ पर नेक्स्ट रो उल्टे तरफ से हमेशा उल्टा ही बुनेंगे। ये पूरी सिलाई उल्टा बुनने के बाद सीधी तरफ से फिर डिज़ाइन डालते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, पहला फंदा तो उल्टा ही बुनेंगे और यहाँ पर जिस फंदे को मैं उतारी हूँ उसे भी बुन लेंगे। यहाँ पर देखिए, उतारा हुआ फंदा आपको अलग से ही दिखेगा और उसके बाद वाले फंदे को उतार लेंगे। तो शुरू के दो फंदों को पहले उल्टा बुनते हैं, और इस बुने हुए फंदे को उतार लेंगे। अब उतारे हुए फंदे को बुन लेंगे और यहाँ पर फिर इसे उतार लेते हैं। इस ढंग से इस पूरी पंक्ति को बुनेंगे। जो बुना हुआ फंदा है उसे उतार लेंगे और जो उतारा हुआ फंदा है उसे बुन लेते हैं।
इस तरह से ये सिर्फ इन्हीं चार पंक्तियों को बार बार रिपीट करना है। यहाँ पर फिर उल्टे तरफ से इसे बुनकर ये चार पंक्तियाँ डिज़ाइन की कंप्लीट करेंगे। अभी नेक्स्ट रो सीधी तरफ से एक बार मैं फिर थोड़ा सा बुनकर बताऊंगी, लेकिन इन्हीं चार पंक्तियों को आप बार बार रिपीट करेंगे। यहाँ पर सीधी तरफ से फिर पहली पंक्ति जो मैं सीधी तरफ से बनाई हूँ उसे बनाना है, जिसमें मैं एक फंदा उल्टा बुनकर दूसरा फंदा उतारी हूँ, उसी ढंग से इस रो को बुनेंगे। एक फंदा बुन लेंगे, एक फंदा उतार लेंगे, फिर से एक फंदा बुन लेंगे और एक फंदा उतार लेंगे। ये पूरी सिलाई इस ढंग से पहली सीधी पंक्ति की तरह बुनेंगे। अब यहाँ पर उल्टे तरफ से हमेशा उल्टा ही बुनेंगे, हर उल्टी पंक्ति उल्टा ही बुनते हैं। अब यहाँ पर दूसरी सीधी सिलाई जैसा बुनी हो, यहाँ पर सीधी तरफ से उसी ढंग से बुनेंगे। और ये बिल्कुल आसान सी देखिए डिज़ाइन है, और कितनी खूबसूरत है ये डिज़ाइन। इसे आप किसी भी तरह यूज़ करें। मेरा चैनल पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।